क्या काट लेगा? मस्किटो। क्या काट लेगा? मस्किटो। मस्किटो, अच्छा ठीक है। मॉस्किटो। मैं गुड मॉर्निंग बोल रही थी, मैं भूल गई थी। आई लव यू, आई मिस यू, दिल से मेरे घर आना है। अच्छा, जब मैं बर्थडे आएगा दूसरे दिन तो हम आना। आई लव यू। मेरी आज क्लास, शाम की क्लास में पोएम्स होने वाली है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं गाती हूँ पोएम्स। टेल मी रिदा, ये व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे? ये आज रिदा ने पूरा अटैक कर दिया था अपने वार्डरोब पे, और इसने सर्दियों के कपड़े निकाल के इसने हाईनेक पहना हुआ है। लुक एवरीवन, शी इज वेयरिंग अ रिदा। हिल्स पे जाने की तैयारी कर रही है रिदा, अपने फुल स्लीव्स कपड़े निकाल रही है सारे, है ना रिदा? कल सुबह इधर देखो, ये थोड़े दिन बाद। कल सुबह जाना है। कल जाएंगे डॉक्टर अंकल के पास, और डॉक्टर अंकल क्या लगाएंगे? एक इंजेक्शन। और फिर हथियारे कैसे करेंगे? हथियारे कैसे करेंगे? यस, ओके। नाउ चंदा मामा बोले है, सूरज चाचू बोले है, चंदा मामा बोले करो करो एक्शन करो, सूरज चाचू बोले है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप बताएं? बस ठीक है। आज हम खेलने जा रहे हैं सीक्वेंस विद आवर न्यू पार्टनर्स। आज हम सिखा रहे हैं, मम्मा पापा को भी सिखाएंगे। और मैंने कल ऐसे ही यार एक आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि जितने 60 से ऊपर के लोग हैं ना, उनके साथ अगर आप गेम खेलो और उनको अगर इंगेज करो ये माइंड गेम्स में, सो जितनी माइंड की बीमारियां जैसे भूलने की होती है, बाद जाके डिमेंशिया हो जाता है, ये हो जाता है, ये सारी चीजें आप डिले कर सकते हो। अच्छा। जिसको होना है होना है, बट ये सब चीजें आप डिले कर सकते हो। सो आई थॉट कि आज इनको सीक्वेंस सिखाते हैं। और अपना ना अपना वो कर रहे हैं उल्लू सीधा। नहीं, ये सही में रिपोर्ट है, आप पढ़ना कभी। हाँ। So you will get to know कि वो भी है और घर पे है यार, तो सोच रहे हैं घर पे ही है यार, सोच रहे हैं कि खेल ले, तो अब हम खेलने जा रहे हैं। किसी ने कमेंट में बोला था कि पूरा खानदान खेल रहा है क्या सीक्वेंस, तो मैंने बोला हाँ, नान का खानदान तो पूरा हमारा सीक्वेंस। अभी हमें अभी अभी दादा के नान को में जब जाएंगे तब हम वहाँ पे भी लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे भी खेलेंगे, सबको सिखा देंगे हम। अच्छी गेम है, आप लोग भी खेलो। ठीक है, चलो 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 पापा। दादू सेठी गहरी सोच में डूबे हुए जी। पापा और मम्मी को हमने सिखा दिया है गेम जी। पहला गेम हम डमी गेम खेल रहे हैं। बोलो मत पापा, उसको सब पता चल जाएगा सामने वाले को क्या कार्ड जानते, बस बोलना, अपने कार्ड्स नहीं बताने, दिमाग में सोचना। बैठो ध्यान से देख के मम्मा, आप अपनी मूव सोच लेना पहले। अगर आपको नहीं लग रहा कुछ नहीं बचा हुआ तो कहीं के दौर बन रहे हैं तो बनाओ, नहीं तो इन जोकर्स के साथ में कहीं भी नया चीज शुरू कर दो अगर है तो। के आया मौसम व्लॉगिंग का। वॉक थोड़ा होता रहता, व्लॉग होता है। वे क्या होता है वैसे? व्लॉग। व्लॉग होता है। देखो आपको एक चीज दिखाऊं एवरीवन, हमारे पास इतना अच्छा, हमारे पास इतना अच्छा फूल है। वाओ, लिपस्टिक जैसी खुशबू आ रही है। लिपस्टिक जैसी? आपको लिपस्टिक की खुशबू कैसे पता है? इसमें है लिपस्टिक। नहीं वो तो है, लेकिन आपको कैसे पता कि लिपस्टिक से ऐसी खुशबू आती है? मुझे सुन सुन के पता। अच्छा गाइज, आपको एक बात बताऊं, रिदा ना पहले क्या करती थी? सनी फेस विद मिट्टी, फनी फेस। अच्छा गाइज, जब रिदा छोटी होती थी ना एवरीवन, तो रिदा क्या करती थी? रिदा ना प्लांट्स को तोड़ देती थी, तो हमने उसको समझाया बहुत ज़्यादा और रिदा फिर मान गई। अब तो रिदा प्लांट्स को तोड़ती भी नहीं है, अब वो अच्छे से रखती है प्लांट्स को, है ना?
चल। और रिदा अब ये बताओ, ये लगाए किसने पौधे? रिदा किसने लगाए हैं? मम्मा ने पौधे लगाए हैं ये वाले। फिर ठीक है बेटा, मम्मी को देख ले एक बार कितनी खुश है। इसकी किस्मत में शायद ऐसे ही है, क्रेडिट सारी यही ले जाएगी। क्या एक बार दोबारा बोले डालो, हवा चल पड़ी एकदम। भगवान ने कहा क्या, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ उनके लिए सब अच्छा बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, देखो ये मेरा बेबी है, मैं इसको घुमा रही हूं। आप भी कुछ बोल लो। मैं तीन चीजें बोल दी आपने तो बोल दी बेटे, दादी को बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी दादी, सो के आई हो क्या? एकदम फ्रेश लग रही हो। पोछा मार के? हाँ जी, पोछा। क्यों, ओमती आंटी नहीं आई थी? पोछा मार के। बस रिदा इट्स डर्टी। पोछा मार मार। अपना हैंड देखना एक बार। इतना तो क्लीन है। दिखाना। कितना क्लीन है दिखाओ तो सही। दूसरा वाला हैंड से किया बेटे। हाँ देखो गंदा हो गया। इतना क्लीन है, गंदा बोला। अब इतना तो कितना अच्छा। हाँ आप क्लीन कर सकते हो। Yes. सिमर की तबीयत खराब चल रही है। मम्मा की तबीयत खराब हो गई ना? मम्मा को उल्टी हो गई आज और तबीयत खराब हो रखी है, बैक पेन हो रही है, गैस हो रही है बहुत ज्यादा। खुशखबरी है, लोग कह रहे हैं आप पे प्रैंक करने के लिए कि एक दिन ऐसे सिमर भाभी नीचे जाएं और बोलें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मम्मा। कीचू का वो टंगा हुआ कहाँ पे बिब? हाँ ये कल टंगा था मैंने सुखाने के लिए। कहाँ टंगा? यहीं भूल गया। यहीं पे भूल गया। कीचू याद ही नहीं रखता, ले जाना। यहाँ भूल गया था, ऐसे बोल रही जैसे कीचू ने याद रखना था। ये बेबी ऊपर ही देखो। आप कर सकते हो मम्मी प्यार, हाथ में फेर सकते हो सिर में ना, कोई ऐसी दिक्कत हो। पहले उसे गोदी में रखा जा रहा था सर, अब मम्मी से हाथ नहीं फेरा जा रहा है। इतना प्यार क्यों है तुम दोनों में यार? कौन से प्लांट्स ग्रो करे थे? ये तो रिदा के जर्मिनेशन वाली वीडियो वाले हैं। क्या करी थी? जर्मिनेशन। हाँ इतनी बड़ी हो गई, मैंने सोचा मैं एकदम से देखा तो इतने बड़े, मैं सोचा इसमें पानी डाल दिया, पानी पड़ा था मैं क्या डाल दिया, उसको फुल कर दिया। इसलिए तो आप बोले थे कि आ जाओ रिदा पापा, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करा। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये गीली है मिट्टी, ये देखो एवरीवन ये गीली है मिट्टी। और पापा भी ना ऐसी इतनी फनी फनी चीजें बोलते हैं। और वहाँ पर बिजली कड़की थी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज हम ऐसे बैठे हैं आप लोगों को थैंक्स बोलने के लिए। सो पापा गिव अस न्यूज़ की पूरी फैमिली बैठी हुई है, पूरी दसेती फैमिली बैठी हुई है भैया आपको थैंक यू बोलने के लिए। आप 40K सब्सक्राइबर हो गए हम लोग। मैंने बोल दिया और चीजें मत बोलो। अच्छा अच्छा, आपने क्या बोला? सबसे पहले बॉय स्टार्ट करेंगे, एक छोटी गर्ल स्टार्ट करें, फिर बॉय बड़े बॉय स्टार्ट करें, फिर बड़ी गर्ल स्टार्ट। तो आपने छोटी गर्ल ने स्टार्ट कर दिया, हम बोल रहे हैं। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी आर जस्ट सिटिंग टू थैंक यू ऑल। वी क्रॉस 40,000 सब्सक्राइबर्स एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है हम लोगों को, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे वीडियोस को, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब वी आर सो हैप्पी टू यू नो गेट इनटू दिस एंड वी आर सो हैप्पी टू कीप मेकिंग व्लॉग्स एवरी डे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम बैठ के अच्छे से आप लोगों को थैंक यू करें, आपका सपोर्ट बना रहे एंड मे वी सून टच मेनी मोर माइलस्टोन्स टू कम। सो एवरीबडी वॉन्टेड टू थैंक यू एंड आई विल गिव देम अ चांस टू से नाउ।
दादी वाली शर्मारी है, दादी है, इकट्ठे बोल देते हैं दादी थैंक यू। नूरानी आप भी बोलो ना। नहीं नूरानी तो वैसे इतना बोलती रहती है, थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार बरसा रहे हैं आप लोग, वीडियोस लाइक कर रहे हैं। God bless you all. सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और आप खिड़की बंद नहीं करोगे और आप कुछ नहीं करोगे, ये कीचू को बोलोगे? हाँ। अच्छा, आप छोटे हो जाओगे ना, फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी, इतनी बड़ी। मैं छोटा हो जाऊंगा और आप बड़े हो जाओगे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो जगह मैं बड़ी हो जाऊंगी। हाँ। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? मैं आपको चाकू नहीं दूंगी। ओके, चाकू नहीं दूंगी, ठीक है। इट्स कॉल्ड नाइफ। नाइफ मैं आपको नहीं दूंगी। ओके एंड मैं भी आपको नाइफ ले लूंगी। ओके फिर मैं ऐसे आलू कट कर रही हूँ। आलू कट कर रही हूँ। इट्स कॉल्ड पोटैटो। क्या कर दो? पोटैटो कट कर रही हूँ। इसके आगे की रोटी और पता नहीं। ये तो पोटैटो को क्या करना है खिड़की के लिए? यार बस मार दो, बता दो को तो खिड़की। और जब टच करेंगे ना आपको मस्तिष्क तो काट देगा। कौन टच करेगा? क्या काट लेगा? मस्तिष्क तो। क्या काट लेगा? मस्टिक्टो। मस्टिक्टो, अच्छा ठीक है। मॉस्किटो? हाँ, मस्टिक्टो। मस्टिक्टो, ओके ओके। और येलो बी भी काट सकती है। येलो बी? हाँ। वेरी गुड। और कौन काट सकता है? और कॉबी वो गिर जाते खड़की में होती है ना, वो गिर जाते। मैं अपने होटल में गई थी, पैरी में बड़ी हो गई थी, होटल में गई थी और मैं उस पे बैठी। किस पे? वो जो हमारे वो है ना, वो क्या है? वो जो खिड़की है। हाँ। उस पे बैठी। हाँ। सीढ़ी नहीं थी। हाँ। वो नहीं था और मैं गिर गई, कौवा मुझे काट लिया। और आप आए? मैं फिर आया। हाँ, अच्छा। फिर मम्मा आए, सब आए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, एक मशीन में डाला। एक मशीन में डाला? हाँ, मशीन जो लाइट वाली मशीन होती है। लाइट वाली? हाँ। अच्छा, फिर लाइट मशीन में डाला। हाँ। क्लोथ से। उसमें क्या था? क्लोथ। क्लोथ थे? हाँ। अच्छा, फिर मैं उस पर लेटी हुई थी। हाँ, फिर आप भी चले गए, सब चले गए, फिर मैं ठीक हो गई। हाँ। फिर सब आ गए, फिर मुझे लेके चढ़ रखी। अच्छा, इसलिए बात पे दोबारा